आज मैं और तुम्हारी भाभी ऐसे ही बातें करते हुए मजाक मस्ती में बैठे हुए ही देख के तुरंत सासू माँ का कॉल आता है और वो तुम्हारी भाभी को कहती है कि जमाई बाबू को सब्जी लेने हमारे घर भेज दे। फिर मैं तुरंत खाना खाने लगता हूँ और आज तुम्हारी भाभी ने बनाई थी अंडा कढ़ी जिसको खा के खत्म किया ही था कि हमारा मोटर का पाइप खराब हो गया और पिताजी मुझे कहने लगे सामान लेके आओ तो पुराना घर में इसका सामान है। और फिर मैं अपने पुराने घर जा ही रहा था कि सामान नजदीक की दुकान पे मिल जाता है एंड इधर हमारे पिताजी पाइप जोड़ने लगे तो मैं भी ससुराल जाने के लिए रेडी होने लगा। वैसे मैंने वही पुराने कपड़े पहने जो मैं हमेशा यूज करता हूँ क्योंकि बिना साली वाला ससुराल है तो चल जाए। एंड अब मैं गर्मा गर्म चाय पी के ससुराल की तरफ निकल ही गया बट आधी रास्ते पे मेरी स्कूटी भूख से चिल्लाने लगी तो इसको मैं खाना खिलाने के लिए रुका ही था कि सीएसपी वाली मैडम मेरा मोबाइल सेटअप देख के मुस्कुराने लगी और इधर दोनों टुकटुक का सत्यानाश हो चुका था। और फाइनली मैं अपने ससुराल पहुंच चुका हूँ। ये रही मेरी सासू माँ जो अपनी बेटी को भेजने के लिए काफी सारा सब्जी वगैरह लेके आ चुकी है। हालत बहुत खराब है गाइस, लड़की पटाने की उम्र में ससुराल से सब्जी लेके जा रहा हूँ और मेरे साथ हमारी दीदी भी जा रही है। एंड क्या आप भी स्क्रैच करके देर सारा पैसा जितना चाहते हो तो कमेंट